Hi everybody, welcome back to our channel. In today's video, I have compiled a few of the most beautiful spaghetti strap, or noodle strap crop top blouses for your lehenga. As you know, spaghetti or noodle strap jo blouse rehta hai, ye bahut different karte hain. Ya to thin noodle ki tarah pasta ki tarah hote hain iske noodle straps blouse pe, jise aap dekh sakte hain, ya fir thick hote hain. तो ये जो स्ट्रैप्ड ब्लाउजेस हैं, पहले सिर्फ वेस्टर्न अटायर में लाया जाता था. सब लोग सोचते थे कि ये सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट्स पे अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको देसी एलिमेंट्स के साथ मिक्स किए, लहंगा के साथ इसके इस तरह के ब्लाउजेस पेयर किए, तो बहुत खूबसूरत लगने लगे. जो दो वुमेन कुछ डिफरेंट पहनना चाहती थी, कुछ अलग पहनना चाहती थी, तो उन लोगों को जब ये स्पगरी ब्लाउज उन्होंने अपने लहंगे के साथ पेयर करा, तो बहुत ही खूबसूरत लगा. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसको डॉन किया है और बहुत खूबसूरत लगते हैं. आप इसको बहुत सारे फैब्रिक्स में आपको सिलवा सकते हैं, बीड्स लगवा सकते हैं, चेन्स लगवा सकते हैं, या फिर आप एम्बिश कर सकते हैं आपके नूडल स्ट्रैप्स. आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लाउज है, पगड़ी ब्लाउज, ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है मॉडर्न वुमेन के साथ. अगर आपको अनकन्वेंशनल लगना है, आपको बहुत ही डिफरेंट लगना है, यूनिक लगना है पार्टी में, तो आप अपने लहंगे के साथ इस तरह का क्रॉप टॉप ब्लाउज जरूर सिलवाएं. और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, या तो थिन हो, थिक हो, या फिर बहुत ही नूडल की तरह आप अपने स्ट्रैप ब्लाउज रखवा सकते हैं. जो आपके स्ट्रैप्स रहते हैं, ये इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड हो सकते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हो सकते हैं, या फिर प्लेन भी हो सकते हैं. आप अपने लहंगे की हिसाब से, लहंगे के फैब्रिक के हिसाब से आप अपने स्ट्रैप्स रखवाएं. आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप भी रखवा सकते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर चला है. इस तरह के बहुत ही थिन, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अमेजिंग लुक देता है. अगर आपका स्ट्रक्चर फ्रेम है, आप थिन हो, तो आप इसको बहुत ही आराम से कैरी कर सकेंगे. अगर आप आर्गा शेप हो, तो भी आपके बहुत खूबसूरत लगेगा ये. जो हेल्थी बॉडी टाइप है, इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये अगर आपका शोल्डर एरिया में और नेक एरिया में ज़्यादा आपका फैट है, तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बेयर करता है अपनी जो आपका शोल्डर एरिया है, इसमें आराम से दिखता है. आप चाहे तो आपके स्ट्रैप्स को शेल से या फिर बीट से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं. आप चाहे, अगर आपको मॉडस्ट चाहिए, तो आप इसमें मॉडस्ट भी इस तरह का नूडल स्ट्रैप ब्लाउज सिलवा सकते हैं. आप चाहे तो आपकी जो क्रॉप टॉप का लेंथ है, नीचे वेस्ट तक ज़्यादा करके आप इस तरह का ब्लाउज सिलवा सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत लगेगा. आप इसको दुपट्टे के साथ भी पेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड अटायर है, इसके साथ दुपट्टा बहुत खूबसूरत लगता है. तो आप इसको फंक्शन में भी आप कैरी कर सकते हैं. बस आपको ध्यान में रखना है कि आप इसके साथ दुपट्टा कैरी करें. आप इस तरह के कटआउट्स रख सकते हैं आपके नूडल स्ट्रैप ब्लाउज में, या फिर इस तरह के स्ट्रैप्स, ट्रिबल स्ट्रैप्स रख सकते हैं. बहुत खूबसूरत लगता है. अगर आपको सेम फैब्रिक में सिलवाना है, प्लेन लहंगे के साथ भी बहुत खूबसूरत लगता है. इस तरह का शेयर में भी स्ट्रैप्स बहुत खूबसूरत लगता है. अगर आपको एक शोल्डर पे ही लेना है, तो भी बहुत अच्छा लगता है. तो आप इन सारे क्रॉप टॉप स्पगेटी स्ट्रैप से आप इंस्पायर होकर अपना जरूर ब्लाउज सिलवाएं. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.